अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है और आप ज़ीशान रज़ा ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, एशिया कप 2023 की बात करेंगे और बात करेंगे जय शाह के बयान के बाद जो है वो क्रिकेट फैंस जो हैं वो क्या कहते हैं एशिया कप के हवाले से। जो है वो तमाम मैचेस जो हैं वो एशिया कप के पाकिस्तान में जो हैं वो क्यों नहीं करवाए गए, और इस हवाले से जो है वो जो क्रिकेट फैंस हैं वो क्या कहते हैं। जय शाह का बयान भी सामने आया है, जय शाह ने क्या कहा है इस पर बात होगी। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान को उसने दौरा किया है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की मेज़बानी की बड़ी तारीफ जो है वो की है और इस पर भी बात होगी। उसके साथ जो PCB ने एशियन क्रिकेट बोर्ड से बड़ा मुतालबा किया है मैच के दौरान बारिश के हवाले से, जो है वो बड़ा मुतालबा जो है वो सामने आया है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि जो बाबर आजम है वो विराट कोहली के जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ी जा रहे हैं। तो तमाम तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे और आगाज में आपसे जो है वो गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि खबरों का सिलसिला इसी तरह जो है वो हम आपके साथ जारी रख सके। तो बात करेंगे जय शाह के हवाले से कि जय शाह के हवाले से जो है वो बात कुछ यूं है कि सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बात बताऊं कि इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने हमारे यहाँ दौरा किया। पाकिस्तान का वो दौरा पहले कर चुकी हैं और उन्होंने खुद तारीफ़ की सिक्योरिटी के हवाले से, और पाकिस्तान बहुत सेफ मुल्क है, सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। जो क्रिकेट फैंस हैं वो जय शाह के बयान के बाद वो उनका ये कहना है कि ये बयान जो है वो सियासी बयान है और ये बोर्ड को डर है कि कहीं उन्हें होम ग्राउंड जो है वो शिकस्त का सामना जो है वो ना करना पड़े। और जय शाह का क्या बयान है वो आपको बताते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह जो हैं उन्होंने बजरिया ईमेल ICC मेंबरान को आगाह करते हुए कहा है कि ब्रॉडकास्टर्स और मीडिया जो राइट्स होल्डर्स और पाकिस्तान में एशिया कप के तमाम मैचेस करवाने से हिचकिचा रहे थे। क्यों भाई, क्यों हिचकिचा रहे थे, जबकि सिक्योरिटी के मसाइल और मुआशी हालात भी इनकी वजह थी। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से कोई वजूहत नहीं है, पहले इंटरनेशनल जो टीम्स हैं वो यहाँ का दौरा कर चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास इकॉनमी जो है ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हमारे पास आप कह सकें, हमारे पास गरीब से गरीब बंदा भी जो है ना उसके पास इतने वसाइल हैं कि शायद वो मतलब उसके पास बहुत सारे वसाइल हैं। और हमारे यहाँ जो मुतवस्सित तबके से भी ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनके घरों में भी AC हैं, उनके पास भी गाड़ियाँ हैं, उनके पास भी सारे वसाइल हैं। आगे बात करेंगे और इस हवाले से जो है वो बतौर ACC सदर की हैसियत से टूर्नामेंट करवाने के लिए जो है वो उनका कहना में पुरअज़म था, इसलिए श्रीलंका को मुश्तरका जो है मेज़बान बनाया और हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में भी मैचेस जो हैं वो करवाए गए। तहम ये बात जो है वो उनका कहना है कि PCB की क्यादत कई तब्दीलियां इसमें जो है वो हुई और जिसके नतीजे में जो है वो कुछ मुज़ाकरात आगे पीछे हुए, जिसमें मैचों के लिए जो है वो टैक्स छूट और इंश्योरेंस जैसे अहम पहलू जो हैं वो शामिल थे। इसके बाद ये कहते हैं जी कि एशियन काउंसिल के मेंबरान सितंबर के महीने में मुत्तहदा अरब अमारात UAE में गर्मी के बायस वनडे मैचेस खेलने पर जो है वो खदशात का इजहार जो है वो कर रहे थे, जबकि शेड्यूल के बायस खिलाड़ियों इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान के हवाले से जब उन्होंने ये बयान सामने आया है तो इस पर क्रिकेट फैंस जो हैं उन्होंने कहा है कि भाई बात यह है कि हमारे यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, पहले तीन टीमें यहाँ से होकर जो है वो जा चुके हैं, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के कोई मसला नहीं है और हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमें जो हैं वो गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान का दौरा जो है वो कर चुकी हैं। बिल्कुल जी देखें, और उन्होंने खुद तारीफ़ की है पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के हवाले से किसी किस्म के ऐसे मामला नहीं है। बाकी रही बात इकॉनमी की, देखें इकॉनमी के हर कोविड के बाद, कोरोना के बाद हर जगह पर मसाइल हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास पाकिस्तान में मसाइल हैं, पूरी दुनिया में इकॉनमी के हवाले से इश्यूज हैं आफ्टर कोविड जो है वो, क्योंकि पूरी दुनिया बंद थी तो मसाइल तो आने थे, लेकिन ऐसे मसले ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमारे पास गरीब से गरीब बंदा भी जो है ना उसके पास वो भी ठीक ठाक है, ऐसा मसला नहीं है। आगे बात करेंगे हम कि PCB ने एशियन क्रिकेट बोर्ड से बड़ा मुतालबा कर दिया है। क्या मुतालबा है ये आपको बताएंगे। एशियन क्रिकेट बोर्ड से बड़ा मुतालबा जो है वो PCB ने किया है, मैच के दौरान बारिश होने पर जो है ये मुतालबा सामने आया है। पाकिस्तान ने एशिया कप के दौरान बारिश होने से जो है वो जो मैच मुतासर हुआ है उसकी वजह के हवाले से जो है माली नुकसान का ज़ाला का जो है वो मुतालबा कर दिया है कि माली नुकसान काफ़ी हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है जी ज़का अशरफ, इन्होंने एशियन क्रिकेट बोर्ड काउंसिल ACC के सदर जय शाह को लिखे जाने वाले एहतजाजी खत जो है वो सामने आया है और इन्होंने इसमें लिखा है कि
खत का जो मतन है वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ कि पीसीबी ने एशिया कप के शेड्यूल को हतमी शक्ल दिए जाने पर जो है वो मुतअद्दिद मरतबा अपने तहफ्फुज़ात का इजहार जो है वो किया, और इसके अलावा जो है श्रीलंका का इंतखाब करने के मौके पर बारिश को मद्देनजर रखते हुए पीसीबी की जानिब से तहफ्फुज़ात का इजहार जो है वो किया गया। इन तहफ्फुज़ात पर एसीसी ने कोई तवज्जो जो है वो नहीं दी। यानी खत का मतन ये है कि इसमें पहले से बताया गया था कि भाई श्रीलंका में बारिश जो है वो हो सकती है, तहफ्फुज़ात का पीसीबी की जानिब से इजहार जो है वो किया गया था, लेकिन इस पर कोई तवज्जो जो है वो नहीं दी गई है। खत में कहा गया है कि पाक भारत मैच बारिश के नजर होने पर जो है स्टेडियम में मौजूद एसीसी के नुमाइंदगार ने गैर रस्मी इजलास जो है वो किया, और इजलास में जो कोलंबो में बारिशों के पेश नज़र नए वेन्यू की तलाश का मामला जो है ज़ेर बहस आया और मिट ऑफिस की रिपोर्ट पेश की गई जिसके मुताबिक कोलंबो और जो है वो वहाँ पे पालिकी में बारिशें थीं, जबकि इस हवाले से खत के मुताबिक पीसीबी को बताया गया है कि एमरजेंसी में वेन्यू तजवीज़ किया गया है। और ये वो तहफ़ुज़ात हैं जो खत का मतन है जो मैं आपके साथ पढ़ के सुना रहा हूँ। 5 सितंबर की सुबह 10:29 पर एसीसी की जानिब से एक ईमेल मौसूल हुई। ईमेल में मैचेस को मुंतकिल करने के हवाले से प्रेस रिलीज जारी करने का कहा गया, ताहम 27 मिनट के बाद एसीसी की जानिब से पीसीबी को आखिरी ईमेल जो है वो नज़रअंदाज करने का कहा जाता है। ये चीज़ सामने बहुत अहम है जो आई है, और पीसीबी के एहतजाजी ख़त के मुताबिक ये हमारे लिए परेशान कुन था और पीसीबी को फैसला लेने से कबल ना पूछा गया कि ना ही राबता किया गया, अब तक वाजिया नहीं हो सका कि ये फैसला कौन कर रहा है, इस हवाले से हमें वाजाहत दरकार है। ये पीसीबी का कहना है। खत में कहा गया है कि कोलंबो और कैंडी में मैचेस के लिए किसी सूरत माहौल जो है वो साजगार नहीं है, और ज़का अशरफ ने खत में एहतजाज किया है और मैं पूछना चाहता हूं कि यकतरफा फैसले कौन कर रहा है और मेज़बान को पूछना और मशवरा करने का अमल क्यों नहीं किया गया। बारिश से मुतासर होने के मैचेस की गेट मनी का नुकसान का जिम्मेदार जो है वो कौन है। खत के मुताबिक मुतासर जो मैच की वजह से एसीसी की इवेंट्स की का पूरी दुनिया में जो है वो बदतरीन तासुर जो है वो जाएगा, और एसीसी को बारिश से मुतासर मैचेस को जिम्मेदारी लेना होगी, जबकि माली नुकसान का भी एसीसी को अजाला करना होगा। ये जो खत का मतन था वो मैं आपको पढ़ के मैंने सुनाया, ये बहुत ज़रूरी था कि पीसीबी ने जो है वो बड़ा मुतालबा जो है वो एशियन क्रिकेट बोर्ड से जो है वो किया है। क्या मुतालबा था वो मैंने आपको बता दिया, और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि भारत जो क्रिकेट बोर्ड यहाँ पाकिस्तान आया था वो हमारी मेज़बानी से मुतासिर हुआ है। कैसे मुतासिर हुआ है, क्या बात की है वो भी आपको बताते हैं। और ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो वफद है उसका कहना है कि जी हमें बादशाहों की तरह जो है वहाँ पर रखा गया, और ये बिल्कुल देखें हमारी जो पाकिस्तान की जो मेज़बानी है वो पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर है। और मुतासिर होकर अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के सदर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की मेज़बानी से मुतासिर हुए हैं और बग़ैर तारीफ़ किए बगैर जो हैं वो नहीं रहे हैं, और उनका ये कहना है कि वतन वापसी पर भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर के मुताबिक पाकिस्तान में जो तजर्बा है वो शानदार रहा, और मेज़बानी हमें ऐसे मिली जैसे 1984 में जो है वो टेस्ट मैचेस के दौरान जो है वो मिली थी, और हमारे साथ बादशाहों जैसा जो है वो बर्ताव किया गया है, और हमारा वक्त जो है वो बहुत अच्छा रहा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशल्स के साथ मिलने का इस तरह जो है वो मौका मिला, और हमारे दौरे से सबसे ज़्यादा जो है वो हमें इस दौरे पर जो है वो हमें खुशी हुई है। और इस मौके पर नायब सदर बीसीसीआई जो हैं उनका ये कहना है कि 2 रोज़ा ये दौरा था जो बहुत ही शानदार रहा, और गवर्नर पंजाब ने हमारे एजाज़ में डिनर दिया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेज़बानी भी बहुत जो है वो अच्छी थी। पाकिस्तान का मुतालबा था कि दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट शुरू होनी चाहिए, और हम इन्हें हमने इन्हें बताया कि इसका फ़ैसला हुकूमत ने करना है, हम वही करेंगे जो हमारी हुकूमत कहेगी। ये इनका कहना है अपना इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। और इसके साथ अब हम आपको ये बताएंगे कि जो बाबर आजम है वो विराट कोहली के जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ने पर लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि तमाम जो जितने भी बैट्समैन हैं उन सब के रिकॉर्ड्स जो है ना वो बाबर आजम जो हैं वो उन्होंने तोड़ देने,
मैं आपको बताऊं कि इस वक्त एशिया कप 2023 जो है वो जारी है और बाबर आजम जो हैं उन्हें तमाम रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मिला है और वो अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा जो है वो दिखा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जो है उन्होंने भारत के विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। बाबर आजम बतौर कप्तान जो है वो तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं और उन्होंने बतौर कप्तान 31 इनिंग्स में ये संगे मील अबूर किया है। और इससे कबल विराट कोहली ने ये बतौर कप्तान 2000 रन 36 इनिंग्स में मुकम्मल किए थे, जिसके बाद बाबर आजम ने ये कारनामा आज लाहौर एशिया कप के सुपर जो है वो फोर मरहले में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में छठा रन लेकर सर अंजाम दिया है। तो नाज़रीन वीडियो से मुतलिक जो है वो अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। एशिया कप 2023 से मुतलिक जो अहम खबरें हैं उससे हम रखेंगे आपको बाखबर। तो ख़बरों से अगर आप चाहते हैं कि बाखबर रहें तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें जो है वो फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।